ये पत्ता नहीं हूँ मैं, शाखों से टूट जाऊं ये पत्ता नहीं हूँ मैं, आंधियों से कह दे कोई कि औकात में रहे। अब एक बदलाव लेके हम लोग आ रहे हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, आप लोगों का सबका साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हुसैनगंज ब्लॉक में कुछ न कुछ तो बदलाव आएगा। सारे लोग का रुझान है कि बदलाव हो, जिस तरह से मौसम में बदलाव आता है, जाड़ा के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, अब 2023 के बाद 2024 आने वाला है, 24 में कोई नया समीकरण बनेगा, उसी मुताबिक इस रुझान के लेकर के चला जाएगा। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, समय सिवान में आप सभी का स्वागत है। समय सिवान की टीम इस वक्त सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड में मौजूद है। आज हुसैनगंज प्रखंड के दरबेजपुर गांव में जो यहां के बीडीसी हैं सदन निशा, इनके द्वारा एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम हुसैनगंज प्रखंड के जितने भी बीडीसी हैं उन तमाम लोगों ने इसमें मिलन समारोह में पार्टिसिपेट किया था। आइए सबसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, और इस मिलन समारोह का मोटिव क्या है, क्यों इस मिलन समारोह को रखा गया था, इसके बारे में तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। आज आप लोग के यहाँ मिलन समारोह हुआ, क्या कुछ इसमें बताएंगे क्या? जी, सबसे पहले तो हम अपने जो भी हुसैनगंज प्रखंड के जनता है उसको धन्यवाद देना चाहते हैं, और सभी लोग, हर समुदाय के लोग आए हैं यहाँ पे, और सब लोग मिलजुल के अपना एक ये एक मिलन समारोह, काफ़ी दिन मिलना जुलना हो गया था, ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग एक भाईचारे की तरह, बाकी इसमें कोई राजनीति का कहीं किसी तरीके का ये नहीं है, और उसके बाद देखा जाएगा, अगर जनता चाहेगी तो, ये टोटल डिपेंड करता है जनता पर, और जैसे चाहेगी वैसे किया जाएगा। विकास कार्यों को लेकर के आप लोग क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि हर जगह हर प्रखंड में देखा जा रहा है कि विकास जो है कि जिस तरह से चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि विकास जो यहाँ के जिस तरीके से चाहिए प्रखंड स्तर पर विकास हुआ ही नहीं है, और इसलिए सारे लोग जो हैं, सारे लोग हम लोगों के पास आकर और ये कहता है कि भाई आप लोग थोड़ा सा ये कीजिए, क्योंकि यहाँ पे काम हो नहीं रहा है, और भी बहुत सारे लोग हैं, हम किसी का ये नहीं करना चाहते हैं, पर ओवरऑल विकास नहीं हुआ है। आप जब जाते हैं हुसैनगंज प्रखंड कार्यालय में, तो चाहे नेता हो या आम लोग, हर किसी के साथ एक ही तरह का व्यवहार किया जाता है, न बैठने का व्यवस्था है, ना आम आदमी का पानी पीने का अच्छा व्यवस्था। आप अपने कैंपस को घूमे होंगे, क्योंकि मैं आपके कैंपस को देखा हूँ, बाहर से सुंदर दिखता है लेकिन अंदर व्यवस्था सुंदर नहीं है, आखिर ऐसा क्यों है? बस हमारे जो भी वहाँ के वर्तमान प्रखंड है, ये उनकी कमी है, ये उनकी कमी है कि ताकि अगर वही ना सारा चीज़ संभालेंगे तो ये उनकी कमी है, बाकी ठीक है, देखिए जनता जैसे चाहेगी वैसे होगा। इस मिलन समारोह को कुछ राजनीतिक रूप भी दिया जा सकता है क्या? देखिए, इसमें तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर हम आपको बताएंगे कि ये जो भी हमारी जनता है अगर ये चाहेगी तो हम उनके हिसाब से आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात जान तो लगभग देखा जाए तो अब लोग तो अब इस न्यूज़ को लोग तो देखेंगे तो लोग तो बहुत सारी अंदाज़ा लगाएंगे, लेकिन इसमें कोई वैसा ये नहीं है। हम लोग देखिए, हम लोग जिस तरीके का हमारी कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीति का, लेकिन हम लोगों के वजह से लोग हमारे, हम कोई किसी तरीके का ये नहीं है, हमारी माता जी जो हैं बीडीसी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षेत्र के लोग जो हैं हमारे दरवाजे पर आते हैं, एक छोटे मोटे सारे बात को लेकर, तो लोगों को उम्मीद हम लोगों से ज़्यादा है, इसलिए लोग ये कह रहे हैं, जनता कह रही है कि भाई आप आएँ आगे और जो है हम लोग साथ में। जब माता जी बीड़ी से जाए तो संभवतः तो विश्वास का समय आ ही गया। अब इस चीज़ को तो हम नहीं ये करेंगे अभी फिलहाल, इस चीज़ में हम लोग इसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे। अब रही बात की, ठीक है, ये तो जो भी ये लोग हैं बीडीसी सदस्य हैं ये अपना देखेंगे। साल बदल रहा है, ये जरूर आपको संकेत देंगे कि साल बदल रहा है और हुसैनगंज प्रखंड का हर नजरिया बदलने वाला है, मौसम हर तरीके का सब बदलने वाला है, इसमें आप जरूर ये रखिएगा, बदलेगा जरूर कुछ ना कुछ। जी, प्रखंड के दरवेशपुर गांव में बीडीसी सदन निशा के द्वारा एक बीडीसी का मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सारे मतलब हुसैनगंज प्रखंड के बीडीसी यहां एकजुट हुए थे और उनके साथ छोटी मोटी मुलाकात की गई,
और ऐसा मतलब राजनीतिक कोई ऐसा कोई मोटो नहीं था, बस एक मिलना जुलना था और वो बेहतरीन तरीके से हुआ। मतलब रही बात राजनीति की, तो ये तो अभी शुरुआत है और जैसा समीकरण बनेगा वैसा किया जाएगा। और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि विकास, तो विकास के नाम पे तो पूरे सिवान में हम लोग जानते हैं कि विकास किसी लड़के का नाम है, बाकी विकास तो हम लोग भूल ही गए हैं काफ़ी समय से कि ये सिवान में कोई विकास हो रहा है। ठीक है, मैंने विकास मजाक बन के मजाक बस नाम के लिए विकास 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 बस। अगर कोई हमसे पूछता है तो हम देखते हैं कहीं है क्या विकास। इस तरह से ढूंढना पड़ता है कि कोई लड़का है क्या मेरे अगल बगल जिसका नाम विकास हो। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है काफी समय से सिवान जिले में। आपके क्षेत्र में क्या हालात? मेरे क्षेत्र की क्या, मैं पूरे सिवान की बात कर रहा हूँ, चाहे एजुकेशन हो गया, चाहे मान लीजिए कि बिजली की बात कर लें, हर तरह मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिसे हम कहें कि हाँ सिवान में ये काम हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलने के लिए। बस विकास एक नाम बन के रह गया है। दूसरी बात है कि प्रमुख, तो देखिए अब हुसैनगंज प्रखंड की अभी सर ने बोला कि वहाँ व्यवस्था सही नहीं है, तो ये हम लोग को सोचना चाहिए कि हम ये पद जो है किसको हम दे रहे हैं। हमें उस आदमी को चुनना चाहिए जो उस पद की गरिमा को समझे, ना कि बस किसी मजबूरी में या किसी के दबाव में आकर के हम ऐसे आदमी को चुन दे रहे हैं कि वो अपनी पद की गरिमा को ही नहीं जानता है। हुसैनगंज प्रखंड के बीडीसी लोगों का, आम जो अमन पसंद जनता है, उनको मिलना जुलना आज था। इसी मौके पर आज यहाँ मिलन समारोह का नाम दिया गया। इसमें राजनीतिक कोई नहीं है, आज सारे बीडीसी लोग यहाँ मौजूद हैं, आए हुए हैं। आगे जो रणनीति बनेगी वो ब्लॉक के मालिक बीडीसी लोग हैं, जिस तरह से विचार होगा उस विचार पर चलने का काम किया जाएगा। बीडीसी का मन काट सारे लोग का रुझान है कि बदलाव हो, जिस तरह से मौसम में बदलाव आता है, जाड़ा के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, अब 2023 के बाद 2024 आने वाला है, 24 में कोई नया समीकरण बनेगा, उसी मुताबिक इस रुझान के लेकर के चला जाएगा। ठीक, पत्ता नहीं हूँ मैं, शाखों से टूट जाऊं ये पत्ता नहीं हूं मैं, आंधियों से कह दे कोई कि औकात में रहे। क्या बात, बहुत बढ़िया। अगर चुनाव के बात करते नहीं तो हुसैनगंज निर्विरोध भई रहा। चुनाव का बात नहीं है, इस सब लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद है। परिवर्तन के बात करते नहीं, परिवर्तन के लिए बीडीसी लोगों का जिस तरह से रुझान आएगा, जिस तरह से मूड बनेगा, सारे लोग हमारे हैं, हम सारे लोगों के हैं। निर्विरोध भाई रहे तो इंशाअल्लाह देखा जाएगा, लोगों का जो मन बनेगा उस तरह से किया जाएगा। बीडीसी का मिलन समारोह था हुसैनगंज प्रखंड से, तो इस 2000 आने वाले नए साल के लिए कुछ मैसेज मैं देना चाहूँगा। बात तो बहुत 2024 बात तो बहुत सारी हैं, लेकिन दो लाइन में आपको अपनी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिसमें परवाज़ होती है उसमें कहाँ आवाज़ होती है, निशाना चील की और निगाहें बाज की होती है। तो अभी ये जो नए हमारे हैं तो इनके लिए ही मैंने ये बात कही हुई है, तो अब एक बदलाव लेके हम लोग आ रहे हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है, आप लोगों का सबका साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हुसैनगंज ब्लॉक में कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। जय हिंद, जय भारत।